नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटाकी। हटाकी गांधीवाड़, राशन दुकानदार पर अनियमितताओं के आरोप। हटाकी गांधीवाड़ में संचालित शासकीय राशन दुकान संचालक पर उपभोक्ताओं ने कम राशन देने के आरोप लगाए हैं। यहां राशन लेने पहुंचे उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें मात्रा से कम गेहूं दिए जा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को चावल अधिक दिए जा रहे हैं। यहां उपभोक्ताओं ने राशन कम तौलने की भी आरोप दुकान संचालक पर लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि दुकान संचालक अपनी मनमानी से राशन वितरण कर रहे हैं। हटानगरी क्षेत्र होने के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे और ना ही वितरण अव्यवस्था में सुधार हो पा रहा है। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। क्या हुआ? वो राशन ले कम देते हैं, पैसा 60-60 रुपया लेते, कौन महीने 100 ले लेते। बताओ हम का करें, गरीब लोग आदमी है नहीं है, हम कल न खाएं। कितने मिलना चाहिए आपको? 70 किलो। दे कितना रहे? 30 किलो चावल, 30 किलो चावल, 10 किलो दाए हैं गेहूँ। हालांकि हमारा 16 किलो बनता है, तो हमको 10 किलो क्यों दिया गया? किसी को ये 4 आदमियों का 15 दे रहे हैं और हमारे लिए 10 क्यों दिया गया? आपने क्या नाम है आपका? लवकुश साहू बूढ़ा। नाम धर्मेंद्र साहू। क्या हुआ? चावल ज़्यादा दे रहे गेहूँ कम? पिछले माह में गेहूँ ज़्यादा गेहूँ दिए नहीं थे, चावल दिए। कितने दे रहे? अभी दिए हैं 10 किलो गेहूँ, 30 किलो चावल। 16 किलो बनते हैं? 16 किलो बनते हैं। 4 आदमियों का राशन। क्या हुआ? 10 किलो गेहूँ दाए 2 महीना की और 20 किलो चार दाए जी। मैं अभी चाहते हैं 12 किलो गाँव चार कम चाहने थे। किस वार्ड में खुलता है राशन? गांधीवाड़। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।